भाई इस वीडियो में हम पहले बुनियादी बातें दोहराएंगे परम्यूटेशंस के बारे में और उसके बाद कहानी को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो भाई यहाँ हमारे पास 6 लोग हैं और साथ ही हमारे पास 3 कुर्सियाँ हैं। चलें देखते हैं कि हम इनको कितनी मुख्तलिफ तरीक़ों से बैठा सकते हैं। तो इस सूरत हाल में देखते हैं कि हमारे पास कितनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं। अब पहली जगह पर इनमें से कोई भी फर्द बैठ सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास कुल 6 मुमकिनात हैं। दूसरी कुर्सी में फिर हमारे पास 6 - 1 यानी 5 मुमकिनात होंगी, क्योंकि एक फर्द तो यहाँ पे पहले ही बैठ चुका है। और तीसरी कुर्सी में हमारे पास 6 - 2 यानी 4 मुमकिनात होंगी, क्योंकि यहाँ और यहाँ 6 में से 2 लोग तो पहले ही बैठ चुके हैं। तो आखिरी जगह के लिए हमारे पास सिर्फ 4 लोग रह जाते हैं। तो इनको जब हम आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास 120 परम्यूटेशंस आ जाएंगी, यानी इन 6 लोगों में से 3 लोगों को इन कुर्सियों पर बैठाने की कुल 120 मुख्तलिफ मुमकिनात बन सकती हैं। और यहाँ याद रहे कि इनमें से हम किन लोगों को चुन रहे हैं और किस तरतीब में रख रहे हैं, दोनों ही चीज़ें मानी रखती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पहली कुर्सी पे ए को बैठाएं, दूसरी पे बी को बैठाएं और तीसरी पे सी को बैठाएं, तो ये सूरत हाल मिसाल के तौर पर ACB से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये दोनों सूरतें मिसाल के तौर पे BAC से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और ये तीनों मुमकिनात मिसाल के तौर पे BCA से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ अगर हम 3 एक जैसे लोग चुनते हैं तो उनको हम 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से बैठा सकते हैं, और इसी तरह से हम मज़ीद परम्यूटेशंस बना सकते हैं। ये काम अगर हम करते जाएँ तो हमारे पास कुल 120 परम्यूटेशंस ही आएंगी। तो भाई ये थी वो बुनियादी बातें जो हम पिछली वीडियोज़ में पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसके अलावा भी और बातें करेंगे। ऐसा करते हैं कि उस सूरत हाल के बारे में बात करते हैं जब हमें इनकी तरतीब से कोई मसला नहीं है। ये चाहे जिस भी तरतीब में बैठें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम बस जानना चाहते हैं कि इन 6 लोगों में से हम कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से 3 लोगों को चुन सकते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ये जो 6 के 6 मुमकिनात हैं वो असल में एक ही चीज़ को दिखा रहे होंगे, क्योंकि इन सारी मुमकिनात में A, B और C मौजूद हैं। पर जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस दफ़ा हमें इनकी तरतीब से दिलचस्पी ही नहीं है, और चूंकि इन सारी मुमकिनात में एक ही ग्रोह मौजूद है जिसमें A, B और C हैं, इसलिए ये सारी मुमकिनात असल में इस सूरत हाल में एक ही चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर हम इनमें से C, B और F को चुन लेते और फिर इनकी तरतीब बार बार बदलते भी रहते, तब भी वो सारी मुमकिनात एक ही ग्रोह की निशानदेही कर रही होती। अब मिसाल के तौर पे हम CBF को CFB की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इसी ग्रोह को हम BFC की शक्ल में भी दिखा सकते हैं, इसको हम BCF की तरतीब में भी लिख सकते हैं, इसको हम FBC की तरतीब में भी ला सकते हैं और FCB की तरतीब में भी ला सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें असल में एक ही ग्रोह की निशानदेही कर रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आप एक बात पे गौर करें कि हम हर ग्रोह को 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखा सकते हैं, 6 मुख्तलिफ तरतीब दे सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस बात पे हमने गौर क्यों किया। भाई अगर हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि 6 लोगों में से कितने मुख्तलिफ 3 लोगों के ग्रोह बन सकते हैं, तो ये जानने के लिए हम कुल परम्यूटेशंस को तकसीम कर देंगे उतने तरीक़ों से जिससे हम इन 3 लोगों को तरतीब दे सकते हैं। यहाँ पे कुल परम्यूटेशंस हमारे पास 120 हैं, और हर परम्यूटेशन को हम आप देख सकते हैं कि 6 तरीक़ों से तरतीब दे सकते हैं। इसलिए अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि 6 लोगों में से हम कितने तरीक़ों से 3 लोगों का ग्रोह बना सकते हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ 120 को तकसीम कर देंगे 6 से, और यूँ फिर हमारे पास 20 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगी, यानी 20 मजमुओं की मुमकिनात आ जाएंगी जिसमें 3 मुख्तलिफ लोग होंगे।